नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 494 494 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी चिल प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और अध्ययन करने का प्रयास। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और चिल प्रभुपाद के कार्य में भक्तों के संग सारग्राही बिंदुओं को श्रवण करने का प्रयत्न। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में स्कंद 10 अध्याय 18 की कथा में, जहां पर हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध किया गया और उसके पश्चात दो बार दावानल आती है वृंदावन के इस घटनाक्रम में, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में एक काली नाग को मारने के पश्चात जंगल में आग लगी है जहां पूरा ब्रज साथ में निवास कर रहा है, और दूसरा मित्रों के साथ प्रलंबासुर के वध के पश्चात मित्रों के साथ गाय बछड़े चराते हुए दोबारा दावानल पान यहाँ पर उल्लेखित रहेगा। तो आज अध्याय 19 दावानल पान हम सभी श्रवण करने का प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 494 494 में हम सभी आज श्रवण करेंगे स्कंद 10 अध्याय 19 दावानल पान। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। श्री शुक उवाच क्रीणासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्तयो विविशु तृणालोभेन गह्वरम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल बाल खेलने में पूरी तरह मग्न थे तो उनकी गौवें दूर चली गई अधिक घास के लोभ में, तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला न होने से वे घने जंगल में घुस गए।
एक बार की कथा का उल्लेख है कि अत्यधिक सुंदर, नरम, मुलायम, खाने में स्वादिष्ट घासों के लोभ में गाय चारण करते हुए ऐसे जंगल के भीतर घुस गई जो अत्यधिक घना था। ग्वाल बाल खेलने में मग्न थे। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, इस प्रकार के दृश्य में अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम् ईशी काटवीम निर्विशी विशु क्रंदन्त्यो दावतर्षिता। विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां, गौवें तथा भैंसे अंततः मूंज से आच्छादित क्षेत्र में घुस गई। पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी और वे कष्ट के कारण रमाने लगी। तो मुंह आवाजें आने लगी क्योंकि भीतर घने जंगल में आच्छादित होने के कारण अत्यधिक ताप से आसपास जल की उपलब्धता ना होने से गायों को कष्ट होने लगा और वो आवाजें लगाकर अपने स्वामियों को पुकारने लगी। ते अपश्यंत पशुन गोपा कृष्ण रामादय तदा जाता नुतापन विदु विचिन्वन्तो गवाम गतिम। गौओं को सामने न देखकर कृष्ण राम तथा उनके ग्वाल मित्रों को सहसा अपनी असावधानी पर पछतावा हुआ। उन बालकों ने चारों ओर ढूंढा किंतु यह पता न लगा पाए कि वे कहाँ चली गई हैं। तो गायों को खुले जंगल में घास के मैदान में चरता हुआ छोड़कर ग्वाल बाल खेल रहे थे, पर खेलते खेलते बकरियों भैंसों इनको इनकी इनकी दिशा में गमन करते हुए गौएं अधिक घने जंगल में प्रवेश कर गई हैं और अब उन्हें केवल आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो ग्वाल बालों को अपनी असावधानी पर पछतावा हो रहा है। तो उनका पीछा कैसे करेंगे? पद चिन्हों से। यहाँ उल्लिखित है, त्रिने तत खुर दत्त शिन्ने गोपदे अंकिते गवा मार्गम अन्वगमन सर्वे नष्टा जीव्या विचेतस। तब बालकों ने गौओं के खुरों के चिन्हों तथा उनके खुरों तथा दांतों से तोड़ी गई घास के तिनकों को देखकर उनके रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल अत्यधिक चिंतित थे क्योंकि वे अपनी जीविका का साधन खो चुके। वास्तव में ग्वाल बालों में और गांव में लिखते हैं शिल प्रभुपाद की इतनी घनिष्ठता थी कि वो उनके खुर को उनके चिन्हों को पहचानते हुए उनका पीछा करने लगे। तो एक तो उनके ऊपर गौरक्षा का भार था और दूसरा वो उनकी जीविका का साधन भी था, पशुधन। इस प्रकार से पहले गौचारण करने वाले ग्वाल वाले उनको संभाल कर रखते थे और इस अवस्था में उनकी चिंता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को खेल में लिप्त करके उनकी ओर से ध्यान विच्छिन्न कर चुके थे। मुंजा अटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य त्रिषिता श्रांता ततः ते सन्यवर्तयन। अंत में ग्वाल बालों को अपनी बहुमूल्य गाय मुंजा वन में मिली जो अपना रास्ता भटक जाने से चिल्ला रही थी। तब प्यासे तथा थके मांदे ग्वाल बाल उन गौओं को घर के रास्ते पर वापस ले आते हैं। तो आवाजों को सुनकर पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए ग्वाल बाले वहां पहुंचने में सफल हो जाते हैं जहाँ घने मुंजावन में गायें थी। वो उनको संभाल कर घर के रास्ते पर लेकर आने लगते हैं। तभी ताहूता भगवता मेघ गंभीर या गिरा स्वनाम नामनि नदं श्रुत्वा प्रतिनिधु प्रहर्षिता। भगवान ने उन पशुओं को गरजते बादलों की तरह गूंजती वाणी से पुकारा। अपने अपने नामों की ध्वनि सुनकर गौवें अत्यधिक हर्षित हुई और हुंकार भरकर भगवान को उत्तर देने लगी। तो कैसे पुकार रहे हैं? पुकारने के क्रम में क्या भीषण संकट आने वाला है? तत समंता दवधूम केतु यद क्षयाभूत शय कृतोद्वनौकसाम।
समीरित सारथि नोल बड़ुल मुके विले लिहाना स्थिर जंग मान महान। सहसा चारों दिशाओं में महान दावाग्नि प्रकट हुई, जिससे जंगल के समस्त प्राणियों के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। सारथी तुल्य वायु अग्नि को आगे बढ़ाती जा रही थी और चारों ओर भयानक चिंगारियां निकल रही थी। निसंदेह इस महान अग्नि ने अपनी ज्वालाओं रूपी जीवाओं को समस्त चल और अचल प्राणियों की ओर लपलपा दिया था। तो एक तो जंगल में आग लगी भीषण गर्मी ताप में, दूसरा सारथी की तरह वायु ने कार्य किया, अर्थात उस वायु इतनी तेज थी कि उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चर तो क्या अचर सर्वत्र आग की लपटें दिखने लगी। भयानक चिंगारियां और इस चिंगारियों में इस आग की लपटों के मध्य जो कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल अपनी गायें लेकर लौट ही रहे थे, उनके चारों तरफ दावाग्नि काबू के बाहर हो गई और उन सबको घेर लिया। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तमा पतंतम परितो तवाग्निम गोपाश्च गाव प्रसमीक्ष्य भीता उचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना यथा हरिमृत्यु भयार्दिता जना। जब गौओं तथा ग्वाल बालों ने चारों ओर से दावाग्नि को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो वे बहुत डर गए। अतः वे रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम के निकट गए, जिस तरह मृत्यु भय से विचलित लोग भगवान की शरण में जाते हैं। उन बालकों ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो ग्वाल बालों के लिए सदैव आश्रयदाता के रूप में परम स्नेहशील सदैव करुणा करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और उनके स्वरूप विस्तार बलराम जी वहां उपस्थित है। ग्वाल बाल और किसी की ओर क्या क्यों ही देखते, क्या आवश्यकता थी देखने की। वो सहायता के लिए वो अच्छे सुंदर शब्दों से कृष्ण और बलराम को देखते हुए संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रम धावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान रात्रा तुम अर्हत। ग्वाल वालों ने कहा, हे कृष्ण हे महावीर हे राम हे अमोघ शक्तिशाली, कृपा करके अपने उन भक्तों को बचाएं जो जंगल की अग्नि से जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। तो विभिन्न संबोधनों से कहीं महावीर कहीं अमोघ शक्तिशाली कहीं कृपा करने वाले, हे कृष्ण हे बलराम कृपया हमारी रक्षा करें, अग्नि से जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में, ये गोधन हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, नूनम त्वद बांधवा कृष्ण न चार्यन्ति अवसादितुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वत्नाथा त्वत्परायण। कृष्ण निसंदेह आपके अपने मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए, ये समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जानने वाले हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है और हम आपके शरणागत हैं। पूर्ण भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करने वाले भगवान के संग रहने वाले ग्वाल बाल उनसे कहते हैं, भगवान आप तो हम सबके स्वामी हैं, हम आपके शरणागत हैं। ये सुंदर शब्द हैं, भाव हैं ग्वाल बालों के वास्तव में। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, श्री शुकुवाच वचो निशम्य कृपणम बंधुनाम भगवान हरि निमीलयत माभेष्ट लोचना नित्य भाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने मित्रों के ऐसे दयनीय वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। भगवान अपने भक्तों की इस भौतिक जगत में भी जहाँ चारों दिशाओं से दावाग्नि ही तो होती है, विभिन्न प्रकार के कष्ट संकट आसन्न जिनका हमें भान भी नहीं होता कि अगले पल हमारे लिए क्या संकट हो सकता है। प्रतिदिन जब हम सुबह गुरुवाष्टकम करते हैं तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावानल, ये जगत भी इसी प्रकार का है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप में जो
तुलना की जा रही है संसार के दावानल से, वो इस अर्थ में कि किस प्रकार, कौन सी चिंगारी, कौन सी अग्नि की लपट, कौन सी व्याधि आदि जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, वो हमारे जीवन में किस क्षण प्रकट होकर हमें दग्ध कर दे, हमें पीड़ित करने लगे, हमें भयभीत कर दे। इसलिए सुरक्षा कवच हमारे पास सर्वत्र उपलब्ध रहना चाहिए, सभी काल में उपलब्ध रहना चाहिए। भगवान की शरणागति में जब जीव रहता है, तब ऐसे दावानल की उपस्थिति में सिर्फ इतना ही कहता है कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, अपनी भक्त वत्सलता से हमारी रक्षा करें। हमारी स्वयं की सामर्थ्य नहीं है, अपने को प्राप्त संसाधनों का प्रयोग जीव के रूप में हमें सदैव भगवान की महिमावर्धन के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीव की वास्तविक मूल प्रकृति और प्रवृत्ति और इस मनुष्य जन्म पाने का वास्तविक उद्देश्य वही होता है। और ऐसी अवस्था में रहने वाले भक्तों को भगवान कहते हैं, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि इस श्लोक से कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच का सरल दिव्य संबंध स्पष्ट हो रहा है। परम सत्य सर्वशक्तिमान भगवान वास्तव में एक तरुण सच्चिदानंद ग्वाल बाल है, जिनका नाम कृष्ण है, और जीव शरणागत भक्त के संबंध के साथ, चाहे सखा भाव में, चाहे दास्य भाव में, चाहे वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, भगवान के संग अपने संबंध को शाश्वत रखते हुए, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, ताकि नए कर्मों का निर्माण ना हो और इस जीवन के पश्चात हम परम धाम को बिना किसी अन्य प्रारब्ध के प्राप्त कर सके। तब ऐसी अवस्था वाले जीवों से भगवान कहते हैं, डरो नहीं, आंखें बंद कर दो। उसके पश्चात क्या किया भगवान ने, श्लोक संख्या 12 में उल्लेख आता है, तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्नि उल्बणम्, तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निम उल्बणम्, पीत्वा मुखेन तान कृक्षात योगाधीश व्यमोचयत। बालकों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस भयानक अग्नि को निगल कर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। भगवान को अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ग्वाल बाल अत्यधिक थकान से, भूख से, प्यास से त्रस्त थे। गाय अत्यधिक भयभीत हो चुकी थी और ये सब विकराल दावाग्नि में दग्ध होते हुए और अधिक निष्प्राण से होते जा रहे थे। कृक्षात शब्द यहाँ पर है संकट, कृक्षात का संकट, यहाँ पर संकट आ चुका था। इसलिए भगवान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने मुख को खोला है, जो समस्त जगत की सृष्टि का स्रोत कहा जा सकता है, उसके भीतर उन्होंने दावानल पान कर। संख्या 13 में कहते हैं, ततश्चे अक्षिणम् उन्मील्य पुनः भाण्डे रमापिता निशम्य विस्मिता आसन आत्मानं दाशमोचिता। ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित हुए कि न केवल उन्हें तथा गौवों को उस विकराल अग्नि से बचा लिया गया है, अपितु वे भांडेर वृक्ष के पास वापस ला दिए गए हैं। तो जहाँ वो आनंद मग्न थे, जहाँ लीला संपादित हो रही थी, वहां से गायें इतनी दूर चली गई थी, और जब उन्होंने आंखें खोली तो भी नहीं, सर्वत्र शीतलता थी और सभी वापस अपने मूल स्थान पर थे। यहाँ से श्लोक संख्या 14 में उल्लेख करते हैं, कृष्णस्य योग वीर्यम् तद्योग मायानुभावितम् दावाग्नि आत्मना क्षेमम् वीक्षते मे निरेमरम्। जब ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट योग शक्ति द्वारा उन्हें दावाग्नि से बचाया जा चुका है, तो वे सोचने लगे कृष्ण अवश्य ही कोई देवता। जब कृष्ण से और राम से, बलराम से यहाँ पर भक्तों ने के रूप में ग्वाल बालों ने प्रार्थना की है कि हम आपके शरणागत हैं, तब वो उनके पूर्ववत पराक्रमों को स्मरण करके कृष्ण है तो हमें बचा ही लेंगे इस भाव के साथ निवेदन करते हैं। और जब यहाँ वो देखते हैं कि वास्तव में कृष्ण ने उन्हें बचा लिया है, तो एक क्षण के लिए उनके भीतर ये विचार आता है कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि
और किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं था कि जलती हुई अग्नि ना केवल तुरंत शांत हो गई, अभी तो हम उस पूरे जंगल से ग्वाल बाल गौ बछड़ों सहित सुरक्षित निकल कर आ गए। तो ग्वाल बाल हर स्थिति में कृष्ण के साथ अपनी आनंदमयी प्रेममयी मित्रता का आस्वादन करना चाहते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार की असाधारण शक्ति देखी तो उन्हें लगा ये भगवान है या कोई देवता है। ग्वाल वालों को यह अंतर स्पष्ट बताया, उनके मित्र थे अतः उन्होंने स्वयं को समानता के स्तर पर सोचते हुए पुनः कहा, नहीं नहीं भगवान नहीं देवता हो सकते हैं। तो ग्वाल बाल आनंद विभोर हो रहे विभिन्न प्रकार से चिंतन करते हुए, और भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखी गई पुस्तक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने तत्क्षण ही ग्वाल बालों के साथ इस प्रकार प्रेममय और साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार किया कि उन्हें लगा कि हो सकता है देवता नहीं, हो सकता है कृष्ण किसकी किसी देवता से मित्रता हो। पहले भगवान के स्तर पर है फिर देवता, लेकिन इतना स्नेह है ग्वाल बालों का। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण की किसी देवता से मित्रता होगी, इसलिए आंख बंद करवा के उसने उनको स्मरण किया और उन्होंने हमें इस संकट से बचा लिया। भगवान पुनः अपने मित्रों के साथ सहज तरीके से जिस प्रकार आनंद लेते हैं क्रीड़ा करते हुए, उस भाव में सभी वहां पर अपने आप को संयोजित कर चुके हैं। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं घासन्निवर्ते सायान हे सह रामो जनार्दन वेणुं विरण्ययन गोष्ठम अगाध गोपे अभिष्टुत। अब दोपहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौओं को घर की ओर मोड़ा। अपनी वंशी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौटे और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। सभी वापस लौट रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतम इव यासाम येना विना भवत। गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत। आगे अन्य अध्यायों में भी इसका उल्लेख आएगा कि किस प्रकार भगवान और बलराम दोनों, कृष्ण और बलराम दोनों की अनुपस्थिति में गोपियां दिन भर के अपने कार्यों में माताओं सहित सखियों सहित संलग्न रहती हुई प्रतिक्षण जब कृष्ण नहीं होते थे वृंदावन में, तब कृष्ण स्मृति में उपस्थित होकर सदैव उनके आसपास ही उपस्थित रहते थे। तो सभी प्रकार की उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को, उनकी वार्ताओं को वहां पर चर्चा के द्वारा कृष्ण की उपस्थिति को सुनिश्चित करने वाली गोपियां भगवान के सायंकाल लौटने की अतीव अधीरता के साथ प्रतीक्षा। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ गोपियां कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं और कृष्ण के साथ उनकी जो विशिष्ट लीलाएं हैं वो आगे के अध्यायों में वर्णित रहे। ये छोटा सरल और दावानलपान का संक्षिप्त वर्णन है इस अध्याय में। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, अध्याय 19। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत दावानल का निकला जाना नामक 19वें अध्याय के श्री श्रीमद् ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। यह अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। समय की उपलब्धता के कारण हम सभी अगले अध्याय को भी आरंभ कर सकते हैं। अध्याय 20 जिसका नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। तो अध्याय में सुखदेव गोस्वामी क्योंकि ग्रीष्म के ताप से अब वर्षा ऋतु और तत्पश्चात शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तो विविध रूपकों और मनोहारी उपदेश के द्वारा सुखदेव गोस्वामी यहाँ उसका उल्लेख कर रहे हैं। वास्तव में साहित्यिक अलंकारों की कल्पना वृत्ति की सरल और सहज प्रस्तुति है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक समय पर इस अध्याय के माध्यम से 50 चित्रकारियां विचार पूर्वक निर्मित करके और प्रत्येक के माध्यम से कैसे प्रकृति प्रेमी जीवों को भगवान के समीप लाया जा सके इसकी
एक योजना बनाई थी जब जापान से उन्हें ये पश्चिम में जाने से पहले की घटना है। जापान से उन्हें जब निमंत्रण प्राप्त हुआ था तब उन्होंने इस वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, इन भगवान की वृंदावन में रहने वाली लीलाओं के मध्य इस प्रकृति जन्य विशिष्टता का कैसे वर्णन किया जा सके उसको संलग्न किया था। तो सरल अध्याय है, कल्पनाशील अध्याय है और हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करते हुए स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच तयो तत अद्भुतम कर्म धावाग्ने मोक्षमात्मना गोपास्त्रिभ्य समाचख्यु प्रलंबवधमेव च। शुकदेव गोस्वामी ने कहा तब ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलंबासुर का वध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। तो हमने देखा है कि प्रलंबासुर जिस दिन मारा गया है और उसी क्षण वास्तव में एक उल्लेख है कि दोनों साथ में ही आए थे, दावाग्नि का असुर और प्रलंबासुर साथ में आए थे। अपने एक तरफ प्रलंबासुर कृष्ण बलराम के खेल में सम्मिलित होकर बलराम को दूर लेकर जाता है और वहां उसको मार रहा होता है, और दूसरी ओर कृष्ण और अन्य ग्वाल बाल ढूंढते हैं और फिर उन्हें अपनी गाय नहीं दिखती है, और इस क्रम में सब पुनः बलराम के पास तक पहुंचते हैं। वहां असुर मरा हुआ दिखता है और थोड़ी समय वो खेलने में व्यस्त है तो उन्हें दूर गायों की रमाने की आवाज दिखती है। और दोनों घटनाक्रम के पश्चात जब ग्वाल बाल पहुंचे हैं तो वो क्या स्मरण करा रहे हैं कि आज उन्होंने क्या देखा। बूढ़ी बड़ी सभी माताओं को इस सुंदर आश्चर्यचकित करने वाली लीलाओं के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। गोप वृत्ता च गोप्य च तत उपाकर्ण्य विस्मिता मेनि रे देव प्रवरो कृष्ण रामो ब्रजम गतो। यह वर्णन सुनकर बड़े बूढ़े गोप तथा स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही कोई महान देवता हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तत प्रावर सर्वसत्व समुद्भवा विद्योत्मान परिधि विस्फुर्जित नभतला। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देती। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। तो वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, जीवन दान देने वाली इस ऋतु के लिए प्रतीक्षा की जाती है किसानों द्वारा, शीतलता नरमी देने के लिए प्रकृति के इस दग्ध वातावरण में। और तब ऋतुएं सुनिश्चित हुआ करती थी, दो दो महीने की 6 ऋतुएं। वर्षा काल के आरंभ का यहाँ उल्लेख करते हैं शुकदेव गोस्वामी। सांद्र नीलैंबुदे व्योम सवित्युत्स्तनयितनुभिः अस्पष्ट ज्योतियाक्षन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभो। तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। तो यहाँ पर साहित्यिक उपमा का प्रयोग कर रहे हैं आत्म तत्व को बताते हुए। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे आत्मा प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित होती है, वैसे ही वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर बिजली को सतोगुण कहा गया, उसकी गर्जना को रजोगुण कहा गया और बादलों को तमोगुण कहा गया। तो जीव विचलित हो जाता है जिस प्रकार सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से, वैसे ही यहाँ पर प्रकृति के गुणों से विचलित आच्छादित ज्योतिर्मयी जो प्रकृति है उसके मंद मंद प्रतिबिंबित, तो हमें स्पष्ट आकाश नहीं दिख रहा है, बिजली के गरजने को सतोगुण का, क्षमा कीजिए, बिजली की चमक को सतोगुण कहा गया है, उसकी आवाज को रजोगुण कहा गया है, और जो बादलों ने
स्पष्टता को आवृत्त कर लिया है, ढक लिया है, उसे तमोगुण कहा गया। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक और प्राकृतिक तत्वों का संयोजन करते हुए वृंदावन की ये स्थिति वर्णित की जा रही है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा। अष्टमासान निपीतम यद् भूम्या च उदमयम् वसु स्वगो भी मोक्तुमारे भी पर्जन्य काले आगते। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। सूर्य द्वारा जो संचित जल है, जो भाप बनकर धरती से ऊपर की ओर संयोजित होता जाता है, उसको मुक्त करने का अवसर आ गया है। और आचार्य इसको तात्पर्य में अलग अलग दृष्टिकोण से तुलना करते हुए कहते हैं, जैसे राजा कर वसूलते हैं और समयांतर पर प्रजा के हित के लिए उसको व्यय करते हैं, जैसे आचार्य गण स्वयं को संयोजित करते हैं और शिक्षा का सिंचन और संचित करने के पश्चात योग्य छात्रों में वितरित कर देते हैं, जैसे कृषि समुदाय व्यापार उद्योग इन सब में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कर लिया जाता है और समयांतर पर अनेकों प्रकार के जन कार्य, साफ सफाई, शैक्षणिक कार्य, भंडारण की व्यवस्था करना, वितरण की व्यवस्था करना, परिवहन की व्यवस्था करना, इस प्रकार उसे वितरित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींच लिया गया है और जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर सारे स्थानों पर वितरित कर रही है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर सरलतम यह है कि दोनों ही पक्ष से, श्री प्रभुपाद कहते हैं, दोनों ही पक्ष से संयोजन आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यकता से अधिक कर संचित नहीं करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों में उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वितरित कर दिया जाना चाहिए और उसी प्रकार प्रजा को आवश्यकता के अनुसार अपनी संपत्ति के इस भाग से, क्योंकि प्रजा व्यक्तिगत रूप से अपने लिए धन संचित करती है, प्रशासनिक अधिकारियों को सामुदायिक रूप से व्यवस्था करने के लिए उसको प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, वितरित करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही पक्षों को ना आवश्यकता से अधिक संग्रह करना चाहिए और ना आवश्यकता से अधिक अपने पास संरक्षित रखना चाहिए, अपितु जन कल्याण के लिए परस्पर सहयोगी होते हुए वितरित कर देना चाहिए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में राजा और प्रजा का ये सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर जो जल है उसको आवश्यकता के समय सिंचित करके और संचित करके बाद में सिंचित करने के लिए सूर्यदेव द्वारा उपलब्ध कराया जाए। व्यवहारिक उपयोग को बताते हुए आगे कहते हैं, तडित्वन्तो महामेघा चंड श्वसन वेपिता प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचु करुणा इव। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए जाकर दूर ले जाए गए थे। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर गए। तो ये उपमाएं हैं। अभी बादल को तमोगुण कहा गया था, गर्जना को रजोगुण कहा गया था और बिजली को सतोगुण कहा गया था। अभी प्रकृति के एक एक तत्व से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न उपमाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। अभी बादलों को यहाँ पर परमार्थ के लिए कहा जा रहा है, ये दयालु पुरुषों की तरह संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान करें। वास्तव में जब जो वर्षा के बादल है, जब जल की बूंदें समाप्त हो जाती हैं तो बादल भी नहीं दिखते हैं। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि बादल अपना जीवन दान कर दे रहे। सूखी पृथ्वी पर बादलों ने जल बरसा दिया और बादल वास्तव में जब जल बरस गया तो इन मेघों का कोई अर्थ नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। श्रील प्रभुपाद
भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो जैसे राजा द्वारा अपना धन कोष खाली कर दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति ये शिक्षा दे रही है कि जो संचय किया जा रहा है, चाहे वृक्षों पर पत्तियों का, फूलों का और फलों का, चाहे सूर्य द्वारा अवशोषित जल से बादलों का, ये आवश्यकता के अनुसार वितरण करने के लिए। अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर यदि सिंचन ना किया जाए तो वो फिर किसी अर्थ का, महत्व का नहीं रहेगा। आगे श्लोक संख्या 7 में बता रहे हैं, तप कृषा देव मीहा आसित वर्षीय सी मही यथैव काम्य तप तनु संप्राप्य तत्फलम्। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण कृशकाय हो जाता है, किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह यष्ट पुष्ट हो। ये एक और व्यवहारिक प्रस्तुति है यहाँ पर। जब हम किसी कार्य के लिए, किसी उद्योग के लिए अपने आप को तपस भाव में स्थिर करते हैं, तब अनेकों प्रकार के त्याग से जीवन कृशकाय हो चुका होता है। जब कपिल भगवान अवतरित होने वाले हैं, उससे पहले माता देवहूति और कर्दम ऋषि के जीवन का उल्लेख है। कर्दम ऋषि तपस्या में है और माता देवहूति उनकी सेवा करते हुए उनके शरीर की, प्राणों की, स्वयं को न्योक्षावर करते हुए, राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने इतनी तत्परता से, सेवा भाव से पति की तपस्या में स्वयं तपस्या की है कि जब कर्दम ऋषि ने नेत्र खोले हैं तो वास्तव में उन्हें कृशकाय देवहूति दिखी है। इसी प्रकार राक्षसों के उसमें भी देखें तो हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया तो शरीर इतना कृशकाय कि हड्डियों का ढांचा बचा था और आसपास चींटियों ने और अन्य छोटे छोटे जीव जंतुओं ने निवास बना लिया था उनके शरीर में। सारा मांस खत्म हो चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। और उसके पश्चात जब तपस्या का फल मिला तो शरीर पुनः हष्ट पुष्ट। तो वर्षा के पहले सारी पृथ्वी कैसी सभी प्रकार की शक्ति से छीण होकर दुबली पतली दिख रही है, और वर्षा के बाद संपूर्ण सतह वनस्पति से आच्छादित होने के कारण हरी भरी होने लग जाती है। भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्तियों से यहाँ श्रील प्रभुपाद कैसे कहते हैं, इस स्थिति की तुलना की गई है। जब भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जीव अत्यधिक तपस्या करता है तो कृशकाय हो जाता है, जब वो पुनः प्राप्त हो जाती है तो वो हरा भरा हो जाता है, हृष्ट पुष्ट हो जाता है। पर भक्त के रूप में यदि जीव जीवन यापन कर रहा है तो भक्ति की तपस्या स्वीकार करके अपने आप को जीव आध्यात्मिक जगत का सतत अनुभव करते हुए हृष्ट पुष्ट रह सकता है। आगे श्लोक संख्या 8 में बताते हैं, निशा मुखेषु खद्योतस्तमसा भान्ति न ग्रहा यथा पापे न पाषंडा नहि वेदा कलौ युगे। वर्षा ऋतु के सांझ के धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर रहे, वर्षा ऋतु के घिरे हुए बादलों के जो सायंकाल का अवसर है उसमें अंधकार में जुगनू तो चमक रहे हैं पर नक्षत्र गणों का प्रकाश दृश्यमान नहीं होता। कलयुग में जब पाप कृत्य की प्रधानता हो जाती है तो भगवान के धर्म के असली स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता है, इसकी भी तुलना यहाँ पर गई। प्रत्येक श्लोक में वास्तव में जैसे जैसे सरल है, हम सभी परिचित भी है, पर कैसे विषय को संबद्ध करना है, सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पर प्रस्तुति उसे अत्यंत रोचक बना रही है। तो कह रहे हैं जैसे सायंकाल की वर्षा का, जो वर्षा के समय का जो सायंकाल होता है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कहीं जुगनू दिख जाते हैं पर उनकी भी चमक बहुत स्पष्ट नहीं है, पर नक्षत्र गणों का प्रकाश धराधाम पर नहीं पहुंच रहा होता है। तो यदि कलयुग की स्थिति की तुलना की जाए तो जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग हैं वो इतने लुप्त प्राय से हो चुके होते हैं कि
भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव में वो केवल जुगनुओं की तरह दिख रहे होते हैं, और जो वैदिक सिद्धांत शास्त्र के आदेश दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्तियों का विशाल समूह होना चाहिए था, जिसे नक्षत्र गण कहा जा रहा है, वो वास्तव में आच्छादित हो चुके हो। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के वैदिक आंदोलन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद का ध्येय है कि जीव अपने आप को शास्त्रों में वर्णित इस संसाधन का प्रयोग करके इतना उन्नत बना ले कि नास्तिकता के इस आवरण में हरिनाम के जाप के प्रकाश से जो कोहरे के अर्थात भौतिक सभ्यता के प्रभाव में बहुत उच्च अवस्था में दृश्यमान नहीं है, वो वितरित किया जा सके। कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडुका सृजुर्गिर तूष्णीं शयाना प्राज्ञत ब्रह्माणा नियमात्मे। वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक तराने लगे, मानो शांत भाव से प्रातः कालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे। ऐसे ही गुरुदेव ने कहा, वैसे ही शिष्यों द्वारा श्लोकों का मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया गया, जैसे एकाएक सारे विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे। तो सामान्यतया जहाँ मंदिर का, गुरुकुल का, भक्तिमय परिवार का जो वातावरण होता है, उसमें स्थिति ये होती है कि सभी जल्दी जगने के लिए नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं इस बात के लिए, लेकिन किसी घंटी की आवाज, किसी की किसी वाद्य यंत्र की आवाज से वे उठते हैं। जैसे इस्कॉन मायापुर का उदाहरण है, जो जो वहां पर जा चुकी है उन्हें पता है, परिचित है आप। मैंने सिर्फ इस्कॉन मायापुर में देखा है ये, वहां पर रहने के लिए जो आवास है, स्थल है, तो उसमें जहां आप निवास कर रहे हैं वहां पर भक्तों द्वारा सुबह सुबह हर दरवाजे की घंटी नहीं, जो अपनी पूजा की घंटी होती है, वो घंटी हर दरवाजे के सामने बजाते हुए कुछ समय तक, और फिर अगले उस पर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, इससे अधिक नहीं, वो बंद दरवाजा है या खुला दरवाजा है, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, घंटी बजाते हुए हर द्वार पे कुछ समय तक रुकते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार का संकेत होता है कि जागृत होने का समय हो गया है। तो सभी उठें, अपने प्रातःकालीन नित्य कर्म करें और जल्दी से जल्दी मंदिर की जो मंगला आरती है, जो श्रृंगार आरती है, जो कथा वाचन है, इन जो आरंभ दिन का होना चाहिए जिस प्रकार से, उन वृत्तियों में अपने आप को वहां धाम में उपस्थित भक्त साधक पूरी तत्परता से भाग ले सके, इसके लिए ये प्रयास होता है। तो वैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि विद्यार्थी सामान्यतः प्रातः काल जग जाते हैं, पर स्वेच्छा से नहीं, स्वेच्छा से अर्थात उन्हें किसी संकेत की, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटियां बजती हैं तो वे सभी एक साथ उठ जाते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से जो निवृत्त प्रवृत्त होने वाले कर्म है उनमें संलग्न हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोया रहता है, पर किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो वेदों का सार है, जो भगवत कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए सभी एक साथ संलग्न हो जाते हैं। प्रकृति के इस वातावरण के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षाएं यहाँ पर निहित है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, आसन उत्पथ गामिन्य शुद्र नद्यो अनुशुष्यति पुंशो यथा अस्वतंत्रस्य देह द्रविण संपद। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई शुद्र नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन। तो ये जो तुलना है यहाँ पर पुनः भौतिक वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को जागृत करने के लिए, जो छोटी नदियां होती हैं, जो सरोवर है, जो छोटे स्थान है, वे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती है,
और वर्षा ऋतु में बढ़ जाए। वैसे ही जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, वे जब किंचित प्रकार का उन्हें सुख सामर्थ्य संसाधन मिल जाए तो वे अपने आप को बहुत समृद्धता में दिखावे में लगा लेते हैं, पर अन्य समय वे शुष्क पड़ जाए। तो मरुस्थल में एक बूंद के समान इस भौतिक जगत के आनंद का उल्लेख किया गया है। जैसे एक बूंद से मरुस्थल सिंचित नहीं हो सकता, वैसे ही जीव इस भौतिक जगत में रहकर एक एक बूंद, एक एक कहीं घर, सुख, परिवार, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, इनके पीछे एक एक नाम मात्र के होने वाले लाभ से अपने समय को व्यतीत कर रहा होता है, पर उसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होता, कोई ऐसी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। क्योंकि छोटी नदियां, सरोवर, ताल, तलैया जैसे उस समय काल में तो भर जाते हैं, पर वो पुनः शुष्क हो जाते हैं। तो भक्त के रूप में और भौतिकतावादी व्यक्ति के रूप में ये अंतर रहना चाहिए, जहां जीव अपने आप को सतत जाप करते हुए, सतत संग करते हुए, सतत श्रवण कीर्तन करते हुए, वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत सदा स्निग्धता का, तरलता का अनुभव करे, ना कि कभी थोड़ा कहीं कुछ सुन लिया और अभी फलते फूलते लग रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर भौतिक स्थिति में आए तो कभी कुछ और प्राप्त हो गया तो उससे फलने फूलने लगे, पर स्वयं की आत्मनिर्जर तरलता नहीं है। जो प्रतिदिन हरिनाम आश्रय में है और सब नियमित हो सके इसके लिए, आप सभी को विदित है कि प्रतिदिन सुबह और शाम इसका आयोजन भी किया जा रहा है, 8 माला सुबह और 8 माला शाम, यदि आप समय की प्रतिबद्धता दे सके, भारत समय 5 से 6 सुबह और शाम, तो इसका प्रयास किया जा रहा है। जो नियमित हरिनाम जप में इस प्रकार अपने आप को संलग्न करते हैं, उनके जीवन में सदैव सरलता और तरलता दोनों आती है, स्निग्धता रहती है, क्योंकि हृदय में स्थित परमात्मा उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो वे अपने आप को कभी असहाय अवस्था में अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान जागृत रूप में सदैव जो हृदय के भीतर विद्यमान है वो जीव को जागृत करके रखते हैं, ताकि जीव उनकी ओर मुड़ सके, देख सके। तो बाहर से यदि कभी शुष्कता लगे भी, तो जीव को अपने परम आश्रय भगवान के श्री चरणों में जाने में मार्ग भटकने की और भूलने की दुविधा ना हो। तो ये स्निग्धता, तरलता भक्त अपने जीवन में सतत स्मरण करके रखता है, जिससे न तो भौतिकता की छोटी मोटी वर्षा उसको प्रभावित कर सके और न आध्यात्मिकता की अनुपस्थिति उसको विचलित कर सके। तो समस्त भौतिक भोग उपलब्ध होते हुए भी साधक उनका उतना आस्वादन करता है जिससे उसका आध्यात्मिक पक्ष फलता फूलता रहे। ये भौतिक जगत के संसाधन वास्तव में इसी अर्थ में सबसे उपयोगी हो सकते हैं। समस्त साधन जो हमारे पास उपलब्ध है, उसका प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए तत्पर रहकर कार्यों में हमें करने का प्रयास करना चाहिए, और इससे मनोविकार कभी भी हमारे हृदय को, हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे द्वारा साध्य भगवान के चरण में जाने वाले मार्ग को शुष्क नहीं करते हैं। अभी के लिए श्लोक संख्या 10 पर ही रोकेंगे। ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 11 से इस विषय को आगे, किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए अपने सुझाव आप यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।